हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को थोड़ा डिटेल में देखा था, इक्वल एरिया क्राइटेरिया लेकर जब आपका सडन मैकेनिकल इनपुट अगर बढ़ जाए तो किस तरह से रोटर एंगल वेरी कर रहा है, स्विंग कैसा कर रहा है, वो सारा चीज़ हम लोग देखे। एक्सलेशन एरिया कौन सा आ रहा था, डिसलेशन एरिया कौन सा आ रहा था, ये सारा चीज़ हम लोग पिछले क्लास में देख लिए। अब हम लोग इस क्लास में जो बात करने वाले हैं उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केस लेके, कि जब आपका फॉल्ट जो होगा, चूंकि हम पिछले क्लास में जो देखे थे वो था आपका मैकेनिकल इनपुट बढ़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैकेनिकल इनपुट फिक्स्ड है और आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो मिल रहा है उसमें वेरिएशन आ रहा है, तो फिर कैसे हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया से ट्रांजिएंट स्टेट को हम लोग चेक करेंगे, वो सारा चीज़ आज देखने वाले हैं। तो पहला जो केस हम लेने वाले हैं वो है फॉल्ट नियर द बस बार जब होगा तो फिर उस केस में हमारा कैसा ऑपरेट करेगा, सिंक्रोनस मशीन का रोटर एंगल कैसे चेंज होगा और कहां कहां कितना पावर फ्लो करेगा, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केस वन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिएंट स्टेट में आपका पावर जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, पावर ट्रांसफर एनालिसिस इन केस ऑफ फॉल्ट। तो देखिए यहाँ पे एक मैं नॉर्मल सिस्टम लिया हूँ जिसमें एक जनरेटर है और कुछ नेटवर्क है, ट्रांसमिशन लाइन कुछ यहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है और ये आपका इनफाइनाइट बस बार है IBB से हम रिप्रेजेंट किए। यहाँ का वोल्टेज V एट एन एंगल ऑफ जीरो है, यहाँ का E एट एन एंगल ऑफ डेल्टा है। तो अभी सिस्टम क्या है, स्टेबल ऑपरेशन में काम कर रहा है। तो स्टेबल ऑपरेशन में अगर काम कर रहा है तो आप मुझे बताओ, मान लेते हैं यहां पे डेल्टा जो है दैट इज इक्वल टू केस वन में, केस वन जो है दैट इज दी बिफोर फॉल्ट केस, ठीक है। तो बिफोर फॉल्ट आपका जो डेल्टा है वो है डेल्टा नॉट के बराबर, मतलब कि इनिशियल कुछ डेल्टा होगा मशीन का, वो डेल्टा नॉट पे काम कर रहा है। तो इस केस में आपका जो पी होगा इलेक्ट्रिकल पावर वो आपका मैकेनिकल पावर के बराबर, दैट इज द शाफ्ट पावर के बराबर होगा एंड दैट इज इक्वल टू EV अपॉन X इनटू साइन डेल्टा नॉट, राइट। तो आपको इलेक्ट्रिकल पावर भी पता होगा दैट इज इक्वल टू शाफ्ट पावर, तो शाफ्ट पावर पता है, EV अपॉन X जो है दैट इज द Pmax, इसको हम लोग बोलते हैं Pmax 1, ठीक है, जिससे हम नोटेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप उसको ध्यान रखिए। इसको हम बोलते हैं Pmax 1 इंटू साइन डेल्टा 1, तो 1 जो सफिक्स यूज कर रहे हैं वो हम बिफोर द फॉल्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो Pmax 1 जो यहां पे आपको मिलेगा, Pmax 1 इज इक्वल टू EV अपॉन X, वेयर X इज द ओवरऑल रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो Pmax 1 आपको ऐसा मिलेगा, समझ में आ रही है इतने बात। तो कुछ ऐसा आपका पावर फ्लो अगर हम डायग्राम बनाए तो ऐसा कुछ होगा, ये आपका Pmax 1 हो गया, बिफोर द फॉल्ट की बात कर रहा हूं, Pmax 1, और ये आपका डेल्टा नॉट है, इतना पे काम कर रहा है, मतलब कि ये आपका क्या है, दैट इज इक्वल टू PS मैकेनिकल पावर। अब क्या हो रहा है इस सिस्टम में, यहां पे मान लीजिए फॉल्ट हुआ सिस्टम में, अब जो हम फॉल्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल साइड में कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग आपको इक्वल एरिया क्राइटेरिया समझाने के लिए मैकेनिकल इनपुट को बढ़ाए थे, अब हमारा फॉल्ट होगा इलेक्ट्रिकल साइड में। तो अब आप बताओ जो ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन दैट इज द केस 2, यहां पे मैं केस 2 लिख रहा हूं, केस 2 कैसा होगा, ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर आएगा दैट इज इक्वल टू Pmax 2, सफिक्स 2 यूज होंगे और साइन डेल्टा। अब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा नॉट नहीं होगा क्योंकि फॉल्ट हुआ, तो ऑब्वियसली वहां पे एक्सलेशन होगा या डिसलेशन होगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा नॉट आपको नहीं मिलेगा, कुछ डेल्टा मिलेगा वो हमको पता नहीं है, ओवरऑल एक्सलेशन या डिसलेशन हो रहा है। तो इस जगह पे आपका Pmax 2 की वैल्यू क्या होगी, Pmax 2 इज इक्वल टू जो मिलेगा आपको EV अपॉन X, और X को हम X2 बोलते हैं इस जगह पे, यहाँ पे जैसे हम EV अपॉन X को X1 लिए सफिक्स बिफोर द फॉल्ट में, तो यहाँ पे हम EV अपॉन X2 लेते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपका सिस्टम का जो ओवरऑल रिएक्टेंस होगा ड्यूरिंग द फॉल्ट वो बढ़ जाएगा, ठीक है, हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल के सॉल्व करके। इनिशियली आपका रिएक्टेंस जो होगा उससे ज़्यादा आपका X2 का रिएक्टेंस मिलेगा, तो बढ़ जाएगा ओवरऑल। तो ओवरऑल X2 अगर बढ़ गया तो Pmax 2 जो होगा वो क्या हो गया, घट गया। तो Pmax 2 अगर घट गया तो न्यू जो आपका ड्यूरिंग द फॉल्ट पावर वर्सेज डेल्टा कर्व जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ओवरऑल ये Pmax 2 है, मैं आपको डिटेल में अभी बताने वाला हूँ, आप टेंशन ना लो,
दिस इज पी मैक्स टू। ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं कि थ्री से फोर साइकिल के बाद सर्किट ब्रेकर जो है वो उस ट्रांसमिशन लाइन के जिसमें भी फॉल्ट हो रहा है उस ट्रांसमिशन लाइन को रिमूव कर दिया, आइसोलेट कर दिया। तो जब आइसोलेट कर देगा तो आफ्टर फॉल्ट केस थ्री कौन सा होगा, आफ्टर फॉल्ट जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर होगा दैट इज इक्वल टू पी मैक्स थ्री इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा तो एक्सलेट डिसलेट करेगा ना, तो वो एक्सलेट अब वो तो डिपेंड करेगा किस टाइम पे हमको डेल्टा निकालना है, वो तो बात की बात है, हम अभी मैक्सिमम पावर की बात करेंगे। तो यहाँ जो मैक्सिमम पावर आपको मिलेगा, चूंकि वन ऑफ द पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन अगर रिमूव हो रहा है तो ई वी अपॉन एक्स थ्री, तो एक्स थ्री जो आपको मिलेगा वो आपको इससे कम मिलेगा और इससे ज़्यादा मिलेगा, एक्स वन से ज़्यादा होगा और एक्स टू से कम होगा। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल पावर फ्लो जो आपको पी मैक्स थ्री मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ये हो गया आपका आफ्टर डिफॉल्ट, ये जो हो गया नीचे वाला वो ड्यूरिंग डिफॉल्ट, और पहला बिफोर फॉल्ट। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ ऑपरेशन होगा। अब इसी में हमको इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाना है, तो चलिए हम पहला केस लेंगे, दैट इज जब आपका फॉल्ट, ये तो हुआ भैया बीच में जब नेटवर्क में हमारा फॉल्ट हो रहा है तो कुछ ऐसा बना, तीन पावर आ रहा है ना। तो इसमें आप देखो पी मैक्स जो आपका थ्री है, पी मैक्स थ्री कौन सा है, ये बीच वाला, और पी मैक्स वन पहला वाला, ये आपका स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी बताता है कि नहीं। बिफोर द फॉल्ट स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट पी मैक्स वन है, और आफ्टर द फॉल्ट स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट पी मैक्स थ्री है, और ड्यूरिंग द फॉल्ट जो है ये आपका पी मैक्स टू आ रहा है। तो ड्यूरिंग द फॉल्ट जो है वो ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट बताता है, दैट इज पी मैक्स टू, और बिफोर द फॉल्ट और आफ्टर द फॉल्ट ये आपका स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट बताता है। तो चलिए हम लोग पहला केस देखते हैं, दैट इज फॉल्ट नियर द बस। अभी हम लोग जो फॉल्ट कराए थे वो नेटवर्क पर कराए थे, किसी नेटवर्क के बीच में हो रहा है। अब फॉल्ट अगर यहाँ पर हो जाए तो फिर क्या होगा, उसको डिटेल में हम लोग एनालाइज करते हैं, फिर उसका क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल भी निकालेंगे और क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम भी निकालेंगे, दैट इज टीसीआर। ठीक है, तो पूरा चीज हम लोग देखते हैं। तो पहला केस जो है दैट इज द फॉल्ट नियर द बस, मतलब बस बार है, मान लीजिए यहाँ पे सिंक्रोनस एक अल्टरनेटर है जिसका इंटरनल रिएक्टेंस है एक्स डी, और उसके बाद ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये इनफाइनाइट बस बार है आई बी बी, और ये आपका एक बस है। मान लीजिए यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, तो फिर कैसे हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाते हैं, किस तरह से हम ट्रांजिएंट एनालिसिस ट्रांजिएंट ऑपरेशन करते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग केस वन में देखने वाले हैं। इसी तरह से केस टू केस थ्री केस फोर भी लेंगे। पहले हम केस वन देखते हैं कि बस बार के अक्रॉस अगर हमारा फॉल्ट होगा तो फिर किस तरह से वर्क करेगा। तो बिफोर फॉल्ट का सबसे पहले मैं बताया, पावर ट्रांसफर में आप देखे होंगे कि पहले बिफोर फॉल्ट की बात हो रही थी। तो बिफोर फॉल्ट हम ये मान के चल रहे हैं जब फॉल्ट नहीं है उस टाइम में जो पावर है पी ई इलेक्ट्रिकल पावर, वही आपका मैकेनिकल पावर के बराबर होगा, क्योंकि सिस्टम क्या है स्टेडी स्टेट में है, एंड दैट इज इक्वल टू ई वी अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्या है, पहले का जो एंगल है। तो अगर आप पावर ये एंगल डायग्राम आप देखोगे तो इसमें डेल्टा नॉट यहाँ पे है और पी ई इज इक्वल टू पी एस आपको मिल रहा है इनिशियली। ठीक है, ये आपका पहला केस हो गया। तो ई वी अपॉन एक्स, एक्स जो होगा वो टोटल रिएक्टेंस ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन होगा, और इसी को हम लोग लिखते थे पी मैक्स वन इंटू साइन डेल्टा नॉट, याद होगा आपको। तो यहां से आपको पी मैक्स वन कितना मिल रहा है, पी मैक्स वन इज इक्वल टू ई वी अपॉन एक्स डी प्लस एक्स एल। क्लियर है इतनी बात, एक्स डी प्लस एक्स एल, ये आपका पी मैक्स वन मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आपको दिखा रहा हूं यहां पे ड्यूरिंग द फॉल्ट क्या होगा, आफ्टर द फॉल्ट क्या होगा, वो सब भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पे पी मैक्स वन इतना आ रहा है, तो आप यहां से डेल्टा नॉट निकाल सकते हो या नहीं। डेल्टा नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स पी एस अपॉन पी मैक्स वन। ठीक है, पी एस अपॉन पी मैक्स वन, तो यहाँ से हम इनिशियली डेल्टा नॉट निकाल लेंगे, या क्वेश्चन में दिया भी रहेगा, पी एस की वैल्यू पता है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, इनिशियल ऑपरेटिंग पॉइंट मान लीजिए ए। अब क्या हो रहा है, सडनली यहाँ पे फॉल्ट हुआ बस पे, तो जैसे ही आपका फॉल्ट बस पे होगा तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो होगा या नहीं होगा, जीरो होगा। मतलब कि ड्यूरिंग फॉल्ट आपका वोल्टेज अगर जीरो है, सेकेंड की बात कर रहा हूँ, सेकेंड में ये फर्स्ट हुआ,
दैट इज बिफोर फॉल्ट या सेकेंड ड्यूरिंग फॉल्ट। तो जो वोल्टेज है वो जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल पावर जो ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो गया। तो ड्यूरिंग फॉल्ट, जब फॉल्ट होगा, अभी देखिए इलेक्ट्रिकल पावर पी के बराबर है, जैसे ही आपका मान लीजिए फॉल्ट हुआ तो इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ आ गया, यहाँ पे। मतलब कि इलेक्ट्रिकल पावर डायरेक्ट आपका किस पाथ को फॉलो किया, जैसे ही आपका फॉल्ट होगा बस पे, तो इलेक्ट्रिकल पावर जो मैं आपको ये ब्लैक से बना रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल पावर का दिखाया, क्योंकि शाफ्ट पावर क्या है, कांस्टेंट है। तो शाफ्ट पावर वाले लाइन ऑलरेडी बना हुआ है। अब इलेक्ट्रिकल पावर जैसे ही आपका फॉल्ट हुआ वो सीधे ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिकल पावर ज़ीरो हुआ तो आप बताओ एम डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस माइनस पी, राइट। तो इलेक्ट्रिकल पावर जीरो है मतलब पी एस के बराबर हो गया, पी एस बराबर पी ए हो गया, मतलब एक्सलेटिंग पावर ग्रेटर देन जीरो आया या नहीं आया, आया। मतलब रोटर क्या करेगा, रोटर विल ट्राई टू एक्सलरेट। जैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हुआ तो पी एस माइनस पी मतलब पी एस माइनस जीरो, तो पी ए इज इक्वल टू एक्सलेटिंग पावर इज इक्वल टू शाफ्ट पावर के बराबर आ गया, मतलब ग्रेटर देन जीरो है। तो एक्सलेटिंग पावर जब भी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रोटर क्या करेगा, एक्सलरेट करेगा। और रोटर जब एक्सलेट करेगा तो डी डेल्टा बाई डी टी से आप निकाल सकते हो, डी डेल्टा बाई डी टी से ओमेगा माइनस ओमेगा एस। अब रोटर एक्सलेट करेगा मतलब स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा, ओमेगा एस फिक्स्ड है, तो डी डेल्टा बाई डी टी क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। तो जैसे ही आपका डी डेल्टा बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो हुआ, मतलब कि रोटर एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो रोटर एंगल इंक्रीज करना शुरू किया, मतलब पहले जो रोटर एंगल था वो डेल्टा नॉट था, अब रोटर एंगल इंक्रीज करना शुरू हुआ। इलेक्ट्रिकल पावर तो जीरो ही है लेकिन रोटर एंगल इंक्रीज करना शुरू कर गया। अब हम मान के चल रहे हैं कि एट डेल डेल इज इक्वल टू कुछ डेल वन है, यहाँ पे डेल वन है, वहाँ पे हम क्या किए, फॉल्ट को रिमूव कर दिए, ठीक है। तो एट डेल इज इक्वल टू डेल वन पे हम जैसे ही फॉल्ट को रिमूव करेंगे तो ये जो आपका ग्राउंड से जीरो से जो कनेक्ट हो गया था फॉल्ट के केस में, वो जैसे ही आप रिमूव करोगे तो डैट इज दी आफ्टर द फॉल्ट केस। तो आफ्टर द फॉल्ट केस मैं यहाँ पे बनाता हूँ इस जगह पे, केस थर्ड, आफ्टर द फॉल्ट आपका, आफ्टर द फॉल्ट नहीं होगा ये आपका, आफ्टर फॉल्ट क्लियरेंस, ठीक है। तो ड्यूरिंग फॉल्ट हो गया, हाँ आफ्टर फॉल्ट लिख सकते हैं। तो आफ्टर फॉल्ट मतलब फॉल्ट जब रिमूव्ड हो गया, आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉल्ट लिख लीजिए, आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉल्ट। अब देखो यहाँ पे फॉल्ट हम रिमूव कर दिए तो अब ये वोल्टेज जीरो नहीं होगा ना, अब ये वोल्टेज जीरो नहीं हुआ, मतलब कि जो इनिशियल बिफोर द फॉल्ट जो आपका सर्किट था वही आफ्टर द फॉल्ट हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे मिलेगा दैट इज इक्वल टू, इसी को हम लोग बोलते थे पी मैक्स थ्री, सफिक्स थ्री था आफ्टर द फॉल्ट के लिए, और साइन डेल्टा के बराबर, वेयर पी मैक्स थ्री इज इक्वल टू ई वी अपॉन, यहाँ पे कितना आ रहा है, एक्स डी प्लस एक्सएल। तो यही तो आपका पी मैक्स थ्री इज इक्वल टू पी मैक्स वन होगा कि नहीं, होगा ना, क्योंकि बिफोर द फॉल्ट एंड आफ्टर द फॉल्ट रिमूवल आपका सर्किट सेम है, इसका मतलब मैक्सिमम पावर जो होगा वो सेम हुआ। तो पी मैक्स थ्री इज इक्वल टू आपको यहाँ पे जो मिला वो पी मैक्स वन के बराबर हुआ। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस डेल्टा वन पे, यहाँ पे डेल्टा वन पे फॉल्ट को हम रिमूव किए, तो अब जैसे ही हम फॉल्ट को रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर जीरो रहेगा क्या, नहीं रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर जीरो नहीं हुआ, यहाँ फॉल्ट रिमूव हुआ, तो सडनली इलेक्ट्रिकल पावर जो स्विच करेगा वो सीधे पावर एंगल जो आपका ये कर्व है, उस कर्व का जो भी ऑपरेटिंग पॉइंट है उस पॉइंट पे, इस डेल्टा वन पे वहाँ चला जाएगा। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे जैसे आप फॉल्ट रिमूव किए सडनली इलेक्ट्रिकल पावर इंक्रीज करके जो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ है वहाँ चला गया। अब देखिए इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ है लेकिन शाफ्ट पावर यहाँ है। तो देखो इलेक्ट्रिकल पावर इज ग्रेटर देन शाफ्ट पावर, मतलब डिसेलरेशन, समझ में आया। तो जब फॉल्ट को हम रिमूव किए तो इलेक्ट्रिकल पावर डायरेक्ट आपका न्यू ऑपरेटिंग पॉइंट पे शिफ्ट किया, और शिफ्ट किया तो वहाँ पे हमको दिख क्या रहा है कि इलेक्ट्रिकल पावर इज ग्रेटर देन शाफ्ट पावर। तो रोटर क्या होगा, डिसलेट करना शुरू करेगा, और रोटर डिसलेट करेगा मतलब कि इनर्शिया के कारण और आगे जाएगा, और जाके मान लीजिए ये सी पॉइंट है जो हम लोग देखे थे पिछले केस में, ये आपका फर्स्ट स्विंग है, मतलब यहाँ पे आपका सिंक्रोनस स्पीड था और इस सी पॉइंट पे सिंक्रोनस स्पीड है, और ये जो है दैट इज़ दी डेल्टा टू, ठीक है। तो फाइनली आपका ऐसा कुछ
इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ये ऐसा कुछ पावर एंगल करवाया, आया नहीं आया? बिफोर द फॉल्ट यहाँ तो ऑपरेटिंग पॉइंट, ड्यूरिंग द फॉल्ट इलेक्ट्रिकल पावर जीरो यहाँ आ गया, डेल्टा एंगल इंक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि सॉफ्ट पावर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल पावर, डेल्टा बढ़ता गया, यहाँ पे हम फॉल्ट को रिमूव किए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉल्ट को रिमूव कर दिए। तो जैसे ही फॉल्ट को रिमूव किया, इलेक्ट्रिकल पावर अब जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ का वोल्टेज जीरो नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ का डेल्टा वन पे जो इलेक्ट्रिकल पावर आपको मिलेगा वो बी पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पावर होगा, यहाँ आ गया। अब यहाँ जैसे ही आया तो इलेक्ट्रिकल पावर इज ग्रेटर देन सॉफ्ट पावर मैकेनिकल पावर, तो रोटर डिसलेट किया और डिसलेट करके फाइनली सी पॉइंट पे आके रुक गया, और उसके बाद फिर ये रिवर्स होगा, मतलब फर्स्ट स्विंग आपका यही मिलेगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद अगेन डिसलेशन, तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक्सेलरेशन पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आपका डिसलेशन पॉइंट है। तो एक फर्स्ट स्विंग मिला, हमको फर्स्ट स्विंग का ही एनालाइज करना है, तो ओवरऑल हमको ये फर्स्ट स्विंग मिल गया। अब इसी में आपसे क्या पूछ रहा है, ये तो पूरा ऑपरेशन हो गया, तो ऑपरेशन में डेल्टा नॉट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा नॉट हमको मिल गया, डेल्टा वन हमको कैसे मिलेगा, जो ड्यूरिंग द फॉल्ट का केस है उससे निकालेंगे, और डेल्टा टू कैसे मिलेगा, वो आफ्टर द फॉल्ट हमारा कितना रिएक्टेंस है पी मैक्स थ्री का उससे निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे जो पूछेगा क्वेश्चन में वो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल पूछेगा। क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल का मतलब है द मैक्सिमम एंगल, द मैक्सिमम रोटर एंगल बिफोर विच फॉल्ट शुड बी क्लियर्ड, मतलब कि उस रोटर एंगल पे फॉल्ट तो क्लियर हो जाना चाहिए, उससे पहले हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जगह पे अगर फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद अगर क्लियर हुआ तो सिस्टम सिंक्रोनिज्म को लूज कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिटिकल क्लियरिंग अगर एंगल हमको निकालना है, तो देखिए मान लीजिए डेल सी आर ये है, डेल सी आर ये है, तो ये जो आपका डिसलेटिंग पॉइंट जो जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, दिस पॉइंट तक, आपको मैं पिछले क्लास में बताया, पिछले लेक्चर में आपको याद होगा, यहाँ तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, मतलब कि अगर हम यहाँ फॉल्ट क्लियर कर रहे हैं तो सी पॉइंट यहाँ होना चाहिए। अगर ये हो गया आपका डेल्टा मैक्स, अगर डेल जो है रोटर एंगल ग्रेटर देन दिस हो गया डेल सी आर, मतलब कि क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल से ज़्यादा तक आपका रोटर एंगल इंक्रीज होते गया और आप फॉल्ट नहीं क्लियर किए, तो सी पॉइंट आपका नीचे आ जाएगा और सिस्टम क्या होगा, सिंक्रोनिज्म को लूज कर देगा। तो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल का आपको डिफिनेशन समझ में आ गया, मैक्सिमम रोटर एंगल एट विच द फॉल्ट शुड बी क्लियर्ड, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हम रोटर एंगल को बढ़ा दिए और फिर फॉल्ट क्लियर किए तो ये सी पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो सिस्टम विल लूज सिंक्रोनिज्म, समझ में आ गया। तो ये आपसे पूछेगा कि क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल कैसे निकालेंगे, तो अब देखो यहाँ पे आप इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी ए इंटू डी डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि एक्सलेटिंग पावर इज इक्वल टू डिसलेटिंग पावर करना है, तो एक्सलेटिंग पावर क्या होगा, पी एस माइनस पी ई इंटू डी डेल्टा, डिसलेटिंग पावर क्या होगा, पी ई माइनस पी एस इंटू डी डेल्टा, ऑफकोर्स पी ए इज इक्वल टू पी एस माइनस पी ई होता है, तो पी ए ग्रेटर देन जीरो हुआ, मतलब पी एस माइनस पी ई ग्रेटर देन जीरो, तो एक्सलेटिंग पावर, यहाँ पे पी ई माइनस पी एस ग्रेटर देन जीरो, तो डिसलेटिंग पावर, तो एक्सलेटिंग पावर इज इक्वल टू डिसलेटिंग पावर करना है। अब देखिए पी एस माइनस पी ई कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे डेल्टा नॉट से डेल सी आर हमारा जाएगा, क्योंकि यही एक्सलेशन रीजन है, डेल्टा नॉट से डेल सी आर ही तो एक्सेलरेट कर रहा है, और फिर डेल सी आर से डेल मैक्स आपका क्या हो रहा है, डिसलेरेट कर रहा है, तो डेल्टा नॉट से डेल सी आर आपका एक्सेलरेट किया, इसमें आप लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा नॉट टू डेल सी आर, पी एस की वैल्यू पी एस ही रहेगी, पी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी मैक्स साइन डेल्टा, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो पी मैक्स है वो तो पी मैक्स वन और पी मैक्स थ्री दोनों बराबर है, देखो पी मैक्स थ्री भी आपका पी मैक्स वन में निकाल के बताया था बराबर, पी मैक्स टू जीरो होगा, ऑब्वियसली फॉल्ट ड्यूरिंग द फॉल्ट आपका कोई भी पावर फ्लो नहीं हो रहा था, पी मैक्स टू जीरो हो गया, तो डेल्टा नॉट से डेल सी आर हम ये करेंगे इंटू डी डेल्टा कर देंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कीजिए, दिस इज पी मैक्स साइन डेल्टा माइनस पी एस इंटू डी डेल्टा, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए डेल सी आर से डेल मैक्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं, अब देखो एक्सलेटिंग पावर इज इक्वल टू डिसलेटिंग पावर कर रहे हैं, तो एक्सलेटिंग पावर कहाँ है, देखो यहाँ पे पी एस माइनस पी, इस रीजन में आपका पी एस कौन सा है, ये वाला, और माइनस पी इलेक्ट्रिकल पावर तो जीरो ही है, तो ये आपका रीजन हो गया एक्सलेटिंग एरिया,
एक्सीलरेटिंग रीजन आपका ये हो गया। उसी तरह से डिसलेटिंग रीजन की बात करें तो PE माइनस PS, इलेक्ट्रिकल पावर आपका ये है और PS कौन सा है, ये। तो इस टोटल में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो ये आपका डिसलेटिंग एरिया हो गया। तो वही हम कर रहे हैं, एक्सीलरेटिंग एरिया इज इक्वल टू डिसलेटिंग एरिया। और क्रिटिकल पॉइंट लिए हैं कि सी आपका जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, दैट इज डेल मैक्स और डेल सी आर है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, फाइनली आप यहाँ से डेल सी आर निकाल सकते हो। ये पूरा मैथमेटिक्स है, मैं इसको ओमिट करता हूँ, फिर आपको पूरा सोल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये फाइनली आपका इक्वेशन आ रहा था इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाने के बाद। तो आप देखो यहाँ से डेल्टा नॉट से डेल सी आर आपको मिल रहा है पी एस माइनस पी मैक्स साइन डेल्टा, ये आपका इलेक्ट्रिकल पावर है। और अगर आप चेक करोगे डेल्टा नॉट से डेल सी आर तो आपको इलेक्ट्रिकल पावर कितना मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर जीरो मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बस पे हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल पावर जीरो मिलेगा। तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनली आपका क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा नॉट से डेल सी आर पी एस माइनस जीरो हो गया, दैट इज डी डेल्टा इज इक्वल टू डेल सी आर से डेल मैक्स। अब देखो डेल सी आर से डेल मैक्स, पी जो है इलेक्ट्रिकल पावर वो जीरो नहीं है, वो पी मैक्स साइन डेल्टा है, ठीक है। तो पी मैक्स साइन डेल्टा आपको ऐसे ही रह जाएगा, पी मैक्स साइन डेल्टा माइनस पी एस इंटू डी डेल्टा, यहाँ डी डेल्टा आएगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये आपको मिलेगा पी एस डेल सी आर माइनस डेल नॉट इज इक्वल टू पी मैक्स कॉस डेल सी आर, कॉस डेल सी आर यहाँ पे आएगा, डेल सी आर प्लस माइनस कॉस डेल मैक्स माइनस पी एस इंटू डेल मैक्स माइनस डेल सी आर। तो आप एक तरफ डेल सी आर को लो तो फाइनली आपका जो, देखो यहाँ पे ये जो है पी एस इंटू डेल सी आर और पी एस इंटू डेल सी आर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा पी एस इंटू डेल नॉट इट विल बी इन माइनस इज इक्वल टू पी मैक्स कॉस डेल सी आर माइनस पी मैक्स कॉस डेल मैक्स माइनस पी एस डेल मैक्स, ठीक है। तो फाइनली आप यहां से निकाल सकते हो डेल सी आर को, डेल सी आर जो आपका फाइनली आएगा, डेल सी आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी मैक्स डेल मैक्स माइनस डेल नॉट प्लस कॉस डेल मैक्स, ठीक है। तो ये पूरा आपका इसको पूरा अरेंज कीजिए, अरेंज करने के बाद जो आपका डेल सी आर आएगा दैट इज इक्वल टू दिस वन, पी एस अपॉन पी मैक्स इंटू डेल मैक्स माइनस डेल नॉट प्लस कॉस ऑफ डेल मैक्स, ठीक है। तो ये आपसे एक सवाल पूछ सकता है इस टाइप का दे देगा, नियर द बस या फिर बस पे फॉल्ट हो रहा है और आपसे पूछ सकता है क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल निकालो। तो आप सोच रहे हो कि इसको याद करने की नीड है, नहीं आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं जब केस वन केस टू केस थ्री ले लूँगा तो एक आपका जनरलाइज फार्मूला बताऊँगा, उस फार्मूला में आप पुट करोगे टोटल का टोटल आपका निकल जाएगा, आपको इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रोसीजर को समझो और इस चीज़ को शॉर्ट नोट्स में आप लिख लो अभी के लिए, ठीक है। एक और चीज़ आपसे यहाँ पूछ सकता है केस वन में, दैट इज़ दी क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, ठीक है। तो हमको क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम भी पता होना चाहिए। तो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम का मैं ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूँ, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम क्या होता है, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम TCR मैक्सिमम टाइम एट विच, मैक्सिमम टाइम आप बोल सकते हो, द मैक्सिमम टाइम एट विच द फॉल्ट कैन बी क्लियर्ड सो दैट द सिस्टम विल रिमेन इन सिंक्रोनिज्म, दैट इज नोन एज क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। तो देखो ये जो काम करते हैं हम क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम निकालने का, ये कौन सा है, यही तो है। आप डेल सी आर जो है, डेल सी आर और डेल नॉट के बीच में जितना रोटर एंगल को टाइम लग रहा है जाने में, वही तो आपका है क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। यहाँ पे फॉल्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे फॉल्ट रिमूव हो गया, तो कितना देर बाद फॉल्ट रिमूव हुआ, वही तो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फॉल्ट हम यहाँ पे टोटल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसका निकालने का तरीका क्या है, ड्यूरिंग फॉल्ट आपको पता है एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस माइनस पी। अब यहाँ पे देखो ड्यूरिंग फॉल्ट इलेक्ट्रिकल पावर कितना है, जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो फाइनली आपका पी एस यही हो गया, दैट इज इक्वल टू पी ए एक्सेलेरेटिंग पावर। तो यहाँ से आप निकालिए डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए अपॉन एम। तो यहाँ से फिर आप एक बार इंटीग्रेट करो तो डी डेल्टा अपॉन डी टी आपको मिल जाएगा, दैट इज पी ए अपॉन एम इंटू टी,
राइट। अब देखिए यहाँ पे आप कर दो डी डेल्टा इज इक्वल टू पी ए अपॉन एम इंटू टी इंटू डी टी। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट करो, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है देखो, अगर डेल्टा काम कर रहे हैं तो डेल्टा नोट से डेल सी आर के बीच का जो टाइम है वही तो आपका टी सी आर है। डेल्टा नोट से डेल सी आर जितना रोटर एंगल जाने में टाइम लग रहा है उतना ही तो आपका क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम है। तो यहाँ आपका जाएगा डेल्टा नोट से डेल सी आर और यहाँ पर जीरो से टी सी, ठीक है। तो आप निकालो इसको, ये आ जाएगा डेल सी आर माइनस डेल नॉट इज इक्वल टू पी ए अपॉन एम टी सी स्क्वायर अपॉन टू। सो फाइनली क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम आएगा टू एम अपॉन पी ए डेल सी आर माइनस डेल नॉट का अंडर रूट। तो ये भी आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम इज इक्वल टू 2m अपॉन पी ए डेल सी आर माइनस डेल नॉट। अब यहाँ पे m अगर आपका जी एच अपॉन पाई एफ में भी आप लिख सकते हो या फिर h अपॉन पाई एफ लिख सकते हो इन पर यूनिट, तो ये सारे चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर पर यूनिट में अगर h की वैल्यू दी है तो h अपॉन पाई एफ डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ a जो है पी ए इज द एक्सलेटिंग पावर दैट इज इक्वल टू पी एस दैट इज द मैकेनिकल पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर ड्यूरिंग द फॉल्ट जीरो हो रहा है, तो पी एस माइनस पी एम करेंगे तो जीरो आएगा। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लो। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फॉल्ट अगर आपका नियर द बस होगा तो किस तरह से हम ऑपरेशन कर रहे हैं, वो ऑपरेशन आपका मेन ये क्लियर होना चाहिए किस तरह से हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको ये पता हो गया तो उसके बाद आप बिजली इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाओगे और डेल सी आर निकाल लोगे, फिर टी सी की भी बात कर लोगे ड्यूरिंग द फॉल्ट, फाइन। तो ये था केस वन। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखने वाले केस टू, दैट इज द फॉल्ट एट द इन द मिडिल ऑफ द पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन। जो पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके मिडिल में अगर हमारा फॉल्ट हो रहा है तो फिर किस तरह से ऑपरेशन होगा, वो सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जुड़े रहिए जेनिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।